आज कोरोना महामारी ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। इस महामारी ने कहीं किसी बाप से उसका बेटा छीना है, बहन से उसका भाई छीना है, पत्नी से उसका एकमात्र सहारा पति छीना है, और कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चों से उनके पिता का साया छीन लिया है। यदि घर से कमाने वाला चला जाता है तो परिवार के सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसी ही समस्या कोरोना से असमय मृत्यु हुए लोगों के परिवार के सामने आ रही है। आज इस संकट की घड़ी में इन बेसहारों का सहारा बनी है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने फैसला लिया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता या अभिभावक का साया उठ गया है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनके परिवार को 5,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी, ताकि जीवन यापन में कोई परेशानी ना हो। कैसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी, ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। कोरोना महामारी के शिकार इन बच्चों की शिक्षा का निशुल्क प्रबंध मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा, जिससे वह अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निशुल्क प्रबंध किया जाएगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। अगर ये परिवार पात्रता सूची में नहीं आते, तब भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा, ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। यदि परिवार से कोई भी सदस्य, चाहे महिला हो या पुरुष, कोई काम धंधा करना चाहता है तो उनको शासन की गारंटी पर बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वह फिर से अपने जीवन यापन के लिए कोई काम कर सके। और अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे, तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंधा करना चाहे, तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि फिर से वो अपना काम धंधा जीवन यापन के लिए प्रारंभ कर सके। शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था तो थोड़ा इंतजार कर सकती है, लेकिन भोजन की व्यवस्था तो रोज करना होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस संवेदनशीलता से यह घोषणा की है, उम्मीद है कि जिला प्रशासन भी ऐसे लोगों को तुरंत चिन्हित कर तत्काल सहायता प्रदान करेगा। मेरा सभी समाज सेवी संगठनों और संवेदनशील साथियों से करवद निवेदन है कि अपने आसपास ऐसे परिवार को चिन्हित कर, जिनका कमाने वाला सपूत इस महामारी ने ले लिया है, उस परिवार को जल्द से जल्द शासन की इस सुविधा को दिलवाने में मदद करें, जिससे उनके घर खाने पीने की समस्या पैदा ना हो। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर इस जानकारी को भेजें, जिससे और जरूरतमंद इसका लाभ ले सकें।